जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी की मर्जी होती है तभी कोई लाइव आ सकता है। मेरे को 5 मिनट हो गए, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे थे तो शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज आपको आ रही है? आई एम ऑडिबल? आकांक्षा आंटी, जय गुरु जी। अंश अंकल, जय गुरु जी। आप एक बार मुझे क्लियर कर देंगे कि मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है अनीता आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पहले ही समय की कमी है आज। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना और इस पेज का शुक्राना, गुरु जी नाल वीरा पेज का शुक्राना, गुरु जी की वीरा बुलबुल आंटी का शुक्राना। संगत जी, जो कुछ भी होता है गुरु जी की मर्जी से होता है, बिना गुरु जी की मर्जी के कुछ नहीं होता। आज का दिन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 31 मई महासमाधि दिवस, आज का दिन देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति हम लोगों को हुई थी, लेकिन अगर हम उसे पॉजिटिविटी लें तो क्षति नहीं थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने आज के दिन, पूर्णमासी का दिन था वो, आज के दिन गुरुजी ने इंसानी चोला छोड़कर रूहानी चोला इख्तियार किया था, अपने ईश्वरीय रूप में चले गए थे गुरुजी। मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं रहा कि मैंने गुरुजी को इंसानी चोले में देखा हो, लेकिन मैंने एक पुरानी संगत से सुना जरूर है कि गुरुजी कहते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो बड़े मंदिर में लाइनें भी लगेंगी, और वो लग रही हैं, लेकिन गुरुजी कहते थे मेरी संगत मुट्ठी भरी होगी, और वो आज बिल्कुल साक्षात है। कारण क्या है कि आजकल भीड़ ज्यादा है, विश्वास कम है। आज मैं जो सत्संग शेयर करूंगा संगत जी, वो विश्वास के ऊपर ही शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, आदमी का विश्वास डोलना नहीं चाहिए। संगत जी, मैं जो सत्संग शेयर करना चाह रहा हूं और जो मुझसे गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि बुलबुल आंटी ने मुझे कई बार अपने पेज पे आने के लिए कहा, आज भी मुझे कई पेजों से इनविटेशन आए थे, लेकिन मैंने किसी पेज पे भी सत्संग करने के लिए हां नहीं की, क्योंकि गुरुजी ने नहीं करवाई। क्योंकि मेरा मानना यह है कि गुरुजी जो चाहते हैं वही होता है, बिना गुरुजी की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज महासमाधि दिवस, आज के दिन जितनी संगत पूरे वर्ल्ड में है सबको ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि गुरुजी जब तक इंसानी चोले में थे तब तक उनकी पावर कुछ हद तक, जैसे गुरुजी बताते थे, मैंने छवि आंटी का सत्संग सुना था कि छवि आंटी ने बोला था कि गुरुजी की पावर इंसानी चोले में लिमिट में थी, और रूहानी चोले में, ईश्वरीय चोले में जाने के बाद पूरी पावर में आ गई है वो। और आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में जितनी भी संगत है, गुरुजी हर घर में विराजमान है, हर घर के अंदर गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। पहले 31 मई को हम सब लोग बड़े मंदिर जाया करते थे, डुगरी मंदिर जाया करते थे, लाइनें लगती थी। आज ऐसा दिन आ गया है कि हर घर में गुरुजी ने अपना मंदिर बना दिया है, हर घर में सत्संग हो रहे हैं, हर गुरुजी के पेज पे सत्संग हो रहे हैं। जिस तरीके से गुरुजी के पेज बने हैं, शायद गुरुजी ने ही चुने होंगे वो लोग, जिनमें एक अंजलि आंटी है, नीलम आंटी हैं, बुलबुल आंटी हैं, नीटू अंकल हैं, कई ऐसी संगत है जिसे गुरुजी ने चुन के शायद ये पेज बनवाए होंगे और उन्हें सेवा दी है। संगत जी, हम लोगों को सेवा मिल गई, हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप अपनी सेवा कीजिए कि सत्संग को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। इसके अंदर कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि शायद पब्लिसिटी स्टंट बनाना होगा इसलिए ऐसा हो रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
देखिए जो चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ा डिवाइन सत्संग है। उस सत्संग के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आज की सिचुएशन को देखते हुए लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो विश्वास डोल रहा है। मैं आज जो सत्संग शेयर करूंगा उसमें यही चीज आएगी कि विश्वास नहीं डोलना, आप गुरुजी पे पूरा भरोसा रखिए। अगर आपका विश्वास डोल रहा है तो इसका मतलब आपने गुरुजी के ऊपर सरेंडर नहीं किया है पूरा अपने आप को। संगत जी आप इसको शेयर कीजिए सत्संग को, क्योंकि पहली सेवा गुरुजी ने एडमिन को दी, एडमिन ने पेज बनाया। दूसरी सेवा एडमिन ने सत्संग करने के लिए जिन्हें चुना वो सत्संग कर रहे हैं, उनकी दूसरी सेवा। लेकिन ये दोनों सेवाएं तब तक व्यर्थ हैं जब तक आप इस सेवा को, इस सत्संग को, या जिस भी पेज पे सत्संग हो रहा है उसे अगर आप शेयर नहीं करेंगे, तो जो सत्संग गुरुजी ने किसी संगत को सुनाना है, जिस सत्संग में किसी संगत के लिए गुरुजी ने कोई जवाब भेजा है, वो उस तक नहीं पहुंचेगा तो उस सत्संग का कोई औचित्य नहीं रह पाएगा। सबसे बड़ी सेवा आप लोगों की है जिन्होंने सत्संग को शेयर करना है, क्योंकि आज का सत्संग मेरा दिल कहता है, क्योंकि ये मेरा अपना सत्संग है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वो चीज बताना चाह रहा हूं। कईयों को इस चीज के जवाब मिलेंगे, कईयों के मन डावाडोल हो चुके हैं इस वक्त, उन सबको जवाब मिलेंगे, और वो जवाब तभी मिलेंगे जब कोई जरिया बनेगा। ये पेज जरिया बना, देवेंद्र अंकल जरिया बने, अब आप लोग जरिया बनिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे क्या पता आपने जरिया बनना है, और जिस अंकल या आंटी को उसका जवाब मिलना है, उस अंकल आंटी को जब जवाब मिलेगा, उनको ब्लेसिंग मिलेगी, वो सारी की सारी ब्लेसिंग शेयर करने वाले अंकल को मिलेगी, आंटी को मिलेगी। तो इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए आप। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा संगत जी, विश्वास जब आदमी का डोल जाता है ना तो आदमी के बस में नहीं रहता, आदमी जान के अपना विश्वास नहीं डुलवाता, लेकिन जब उसके साथ परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो उसका विश्वास डोलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरी बिटिया की शादी गुरुजी ने तय की, बड़े खुश थे हम लोग। मैं सत्संग सुना रहा हूं, संगत जी बड़े गौर से सुनिएगा, इसके अंदर बहुत सारे जवाब मिलेंगे आपको। हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को लकी महसूस करते हैं कि हम गुरुजी के चरणों में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इंसानी चोला है, गलतियां हमसे होती हैं। जो मुझसे हुई, मुझसे गलती ये हुई कि मेरा विश्वास डामाडोल हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। जब विश्वास डामाडोल होता है तो गुरुजी क्या पता अंदर से कितना ज्यादा नाराज होते हो हम पे कि बताओ मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूं और ये इनका विश्वास डोल रहा है, इसका मतलब ये लोग मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी मूर्खता है। और मैं संगत जी आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि इस सत्संग को जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ना, आपकी सेवा कंप्लीट नहीं होगी, मेरी सेवा कंप्लीट नहीं होगी, इस पेज की सेवा कंप्लीट नहीं होगी, बुलबुल आंटी की सेवा कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज की परिस्थितियां किसी के लिए भी अनुकूल नहीं है। आज के सत्संग में कई संगत के जवाब होंगे, तो प्लीज आप इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करता हूं। मेरा डावाडोल होना अनुचित था, मेरी मूर्खता थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी। मेरी बिटिया की शादी गुरुजी ने तय की, गुरुजी के आशीर्वाद से तय हुई, और जब तक मैं कहता रहा गुरुजी मेरी बिटिया के लिए कोई रिश्ता बताओ, तब तक रिश्ता नहीं आता था। जिस दिन से ये कहना शुरू करा गुरुजी आपकी बिटिया है, आप देखो फटाफट रिश्ता भी आ गया और नजदीक से ही आ गया। और संगत जी वो दिन भी गुरुजी ने डिसाइड कर दिया जिस दिन मेरी बिटिया की शादी होनी थी। हम बड़े खुश थे और हम एक सत्संग में गए मेहरा अंकल के घर, मैं और अंजलि आंटी, जो कि आजकल गुरुजी ने अलमौजा ग्रुप चला रही हैं। तो वहां जाके जब डेट डिसाइड हो गई, डेट डिसाइड होने के दूसरे दिन ही हम लोग सत्संग पे गए, तो वहां जाके गुरुजी की गद्दी पे जाने के बाद, सत्संग में जाने के बाद मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था सत्संग में। कारण क्या था कि मेरे मन में एक उथल पुथल चल रही थी कि डेट फिक्स कर दी है गुरुजी ने, अब कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेकिन इंसानी चोला है, हमारी आदत है मांगना, हमने वही गुरुजी से मांगा, मैं गुरुजी कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा।
और इतना करते हुए, और मैंने ये भी बोला गुरुजी, मैं गुरुजी आज मेरा पहली बार सत्संग में मन नहीं लग रहा है, मैं परेशान हूं, और देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए, जो कि अंजलि आंटी नोट कर रही थी। अंजलि आंटी उस समय मुझे कुछ नहीं बोला, जब सत्संग से हम लोग घर आए गुरुजी से इजाजत लेके, तो अंजलि आंटी ने कहा आप रो क्यों रहे थे। मैंने कहा यार मैं गुरुजी का ना सत्संग में मेरा मन नहीं लगा, और मैं गुरुजी से बस वही, जैसे गुरुजी मना करते हैं जिस काम को, मैं वही काम करता रहा, गुरुजी से मांगता रहा, गुरुजी बिटिया की शादी आपने रखी है, आपने ही करना है, जो करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। तो अंजलि आंटी ने मुझे एक ही बात कही कि गुरुजी ने लिप्स हिला के मुझे ये बोला है कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, मैं करांगा जो करना है। यानी कि मेरी बिटिया गुरुजी की जो दोती है, यानी कि अंजलि आंटी ने गुरुजी को अपने फादर माना हुआ है, तो उनकी दोती हुई, अपनी दोती की शादी मैं करूंगा। हम लोग बड़े खुश हो गए, दिमाग से सारे बोझ हट गए। धीरे 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 अप्रैल का महीना आ गया, मई में शादी थी। अप्रैल का महीना आते के साथ ही हुआ क्या कि कोरोना का कहर फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। कोरोना का कहर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन हमारे मन में विश्वास था गुरुजी बैठे हैं, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके बाद संगत जी, जब विश्वास अटूट होता है तो भरोसा भी अटूट हो जाता है, जब भरोसा अटूट होता है तो मन के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, जब गुरुजी है तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी, हमारे सोचते सोचते ही दिल्ली सरकार का डिसीजन आ गया कि सैटरडे और संडे को कर्फ्यू लगेगा। हमारी सगाई की डेट सैटरडे की थी और शादी की डेट संडे की थी। इतने में मुझे लड़के वालों के यहां से कॉल आया कि देवेंद्र शर्मा जी, आपने सुना अभी क्या न्यूज आ रही है? मैं कहा नहीं, मैं तो बाहर हूं। कह रहे जी ऐसे ऐसे सैटरडे संडे को उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। हम लोग बड़े परेशान हुए, मैं सारे काम छोड़ के सीधा घर आया अंजलि आंटी से। मैंने कहा यार आप कह रहे थे, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं अपने आप करूंगा जो करना है, मैं करूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो, तो ये क्या हो गया? बड़े परेशान हुए। वहां मेरा विश्वास डामाडोल हुआ, जो कि मेरे लिए सबसे गलत डिसीजन था, वो विश्वास को डामाडोल करना। मैं आप लोगों से यही बताना चाह रहा हूं कि आप सत्संग को शेयर करें, जिन जिन लोगों के विश्वास इस वक्त डामाडोल है, सबके विश्वास बन जाएंगे। संगत जी, मेरा विश्वास डामाडोल हो गया, लेकिन रात को मेरा मन नहीं कर रहा था गुरुजी से बात करने का, क्योंकि मैं मूर्ख हो चुका था। कहते हैं ना, जब बुद्धिहीन हो जाता है ना आदमी, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर अंजलि आंटी ने मुझे जल प्रसाद दिया, मैंने जल प्रसाद पिया। उसके बाद हमने अपने बैंकट वाले से फोन पे बात की, जी ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 3 तारीख का कर लो। हम बड़े खुश कि चलो हमें 3 तारीख की डेट मिल जाएगी, मंडे उस दिन तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन 3 तारीख को जब पंडित जी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। लड़के वालों से बात हुई, उन्होंने भी मना कर दिया, जी नहीं 3 तारीख का तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, 4 तारीख का मुहूर्त है, आप 4 तारीख का कर लो। हम फिर दोबारा बैंकट वाले के पास गए और गुरुजी ने हमारा साथ दिया, 4 तारीख का हमारा बैंकट गुरुजी ने बुक कर दिया। जय गुरुजी। जब इतना सब कुछ हो गया, विश्वास दोबारा बन गया। हम लोग लालची है ना, हमें कुछ मिल जाता है तो हमारा विश्वास बन जाता है, जब हमसे कुछ चीज खो जाती है, छिन जाती है, तो हमारा विश्वास टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि मैं अपने आप को अभी भी ये मानता हूं कि मैं शायद गुरुजी की संगत नहीं बन पाया हूं, लेकिन अंजलि आंटी संगत बन चुकी है, पूर्ण सरेंडर उन्होंने कर दिया है और उन्होंने ही मुझे संभाला। उन्होंने मुझे बहुत कहा नहीं आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब गुरुजी ने 4 तारीख फाइनल कर दी, मेरा विश्वास फिर बन गया। लालची लोग है ना हम। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन बाद ही एक डिसीजन और आ गया कि जी लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन के अंदर हम फिर परेशान हो गए, जी अब कैसे होगा, ये तो बहुत समस्या होगी। गुरुजी आप एक बार हमें भंवर से निकाल देते हो, दोबारा भंवर में फिर फंसा देते हो। लेकिन अंजलि आंटी की प्रार्थना चल रही थी, अंजलि आंटी का विश्वास अटूट था। उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, मुझे मेरे पिताजी ने कहा है, मुझे मेरे गुरुजी ने कहा है कि नहीं मैं करूंगा तो वही करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। इतने में हम लोगों ने बैंकट का डिसीजन कैंसिल कर दिया, दूर का। लड़के वालों ने कहा जी नजदीक में कोई देख लेते हैं, वहां कर लेते हैं। और आप यकीन मानना संगत जी, मेरा मन इस वक्त भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने गलती की। मैं माफी चाहता हूं गुरुजी आपसे कि मैंने अपना विश्वास डामाडोल किया,
मुझे अपनी संगत की श्रेणी में स्वीकार करो, मुझे अपने चरणों में लगाओ गुरुजी, मेरा ये जो दिमाग है इसको सही करो गुरुजी, मेरा विश्वास जो डोला उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं गुरुजी, और मैं सारे गुरु परिवार से माफी मांगता हूं और सबको ये कहना चाहता हूं कि अपना विश्वास मत हटाना गुरुजी से। गुरुजी जो करते हैं वो सही करते हैं, उन्हें सब पता है कि मैंने क्या करना है। हमें पता तब लगा जब बिटिया की शादी हो गई, सारे फंक्शन गुरुजी ने ऐसे कराए कि मैं आपको बता नहीं सकता। शायद अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो भी ऐसी मैरिज नहीं होती जैसी मैरिज गुरुजी ने कराई। हां ये बात मैं मानूंगा कि उसमें रश नहीं था, मेंबर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन इतना आनंद आया, हर फंक्शन हमने सेलिब्रेट किया। और देखिए जब गुरुजी की हाजिरी लगनी होती है तो कैसे लगती है। जिस दिन शादी थी उस दिन बुलबुल आंटी का कॉल आया, इधर बारात ने एंट्री की है बैंकट में और हमारे दामाद जी बैठे हैं अपने वेडिंग चेयर पे, और बुलबुल आंटी का कॉल आता है कि अंकल कोई बात नहीं हम लोग आ नहीं सकते, लिस्ट तो बहुत लंबी बनी हुई थी जिन जिन को शादी पे आना था। पाल आंटी थी, नीलम आंटी थी, नीलम कपूर आंटी थी, और बुलबुल आंटी थी, नीटू अंकल थे, बहुत सारे अंकल थे, अंजू दीदी थी हमारी, सिंगर अंजू सिंह, सिंगर दीदी जो है मेरी, वो थी, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन सरकम ट्रांसिस ऐसे हो गए हम बुला नहीं पाए। तो बुलबुल आंटी ने मुझे कहा कि देवेंद्र अंकल हम लोग आ नहीं सकते, लेकिन हम लोग तैयार होकर गुरुजी के साथ बैठ गए हैं और अब हम यहां से लाइव बिटिया की शादी के गीत गाएंगे। मेरे मन को इतनी खुशी हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी कहां तो दिल्ली सरकार का हुक्म है कि शादी के अंदर कम से कम लोग जाएंगे, और कहां बुलबुल आंटी ने लाइव कर दिया और उसके अंदर 4,000 से 5,000 लोग मेरी बिटिया की खुशी में शरीक हुए। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना अदा करना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं बार बार कि अपना विश्वास जो डोलता है वो गुरुजी की संगत नहीं है। मैं अपने आप को गुरुजी की संगत की श्रेणी में नहीं मानता अभी, गुरुजी चाहेंगे तो मैं संगत की श्रेणी में आ सकता हूं, गुरुजी मुझे माफ करना। और कहते हैं ना कि गुरुजी के परिवार के अंदर ही गुरुजी होते हैं, संगत में गुरुजी होते हैं, तो आज मैं सारी संगत से माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने अपना विश्वास तोड़ा, मैंने गलती की। संगत जी आप लोग मेरी सिफारिश कीजिए गुरुजी से कि गुरुजी मुझे माफ कर दें। वैसे तो गुरुजी बहुत भोले हैं, गुरुजी कभी किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं आप अंदर से बहुत शर्मिंदा हूं गुरुजी, और संगत जी मैं आप लोगों से भी बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सबसे यही गुजारिश है कि गुरुजी पे विश्वास बना के रखना। गुरुजी ने सब सोचा हुआ है कि मुझे अपनी संगत के लिए क्या करना है, और वो बढ़िया से बढ़िया करके उन्होंने दिखा दिया अंजलि आंटी को कि विश्वास को सच साबित कर दिया। अंजलि आंटी ने मुझे कहा कि मैंने आपसे क्या कहा था कि गुरुजी ने कहा मैं करूंगा, तो गुरुजी ने करके दिखा दिया। वाकई में शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। ज्यादा समय मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम स्लॉट बुलबुल आंटी ने कम दिया है, और अब मेरे जाते के साथ ही संगत जी एक गुजारिश और है आपके आगे कि कुसुम आंटी, मेरे जाते ही कुसुम आंटी का सत्संग होगा। जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा और ये डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा इस पेज को ज्वाइन करना है, क्योंकि यादव आंटी जो है, कुसुम यादव आंटी का सत्संग होगा। डिवाइन सत्संग होते हैं, उनकी सत्संग सुनने वाले होते हैं, उन्होंने काफी चीजें सत्संग के अंदर इस तरीके से कही है जिससे मुझे भी कुछ फर्क पड़ा है, मैं आपको बताऊं। बस संगत जी यही कहना चाहूंगा जाते जाते कि अपनी सेवा को पूरा करना, क्या पता किसी का मन डोला हुआ हो और आपके शेयर करने से ये सत्संग उस तक चला जाए और उसका मन, जो गलती मैंने की है वो गलती वो ना करे। संगत जी चाहते हैं ना, क्योंकि गुरु का परिवार हमारा जो परिवार है एक ही परिवार है, अगर एक सदस्य को गलती करता है तो वो चाहता है कि मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन वो गलती ना करे। तो इसलिए अपनी सेवा को जाते जाते अंजाम दे के जाना संगत जी, इस सत्संग को शेयर करना, ताकि जिस किसी संगत का, किसी भी आंटी या अंकल का विश्वास इस माहौल को देखते हुए टूट रहा हो, डोल रहा हो, वो डोले ना। क्योंकि जब गुरुजी हैं तो गुरुजी ने ही सब करना है। जब पत्ता गुरुजी की मर्जी से नहीं हिल सकता तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है? नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। मैंने कानों को ऐसे लंबा ऐटा देके गुरुजी से माफी मांगी है, गुरुजी के परिवार से माफी मांगी है, गुरुजी की संगत से माफी मांगी है कि नहीं मैंने गलती की, कि मैंने अपना विश्वास डामाडोल किया, मेरे से ज्यादा मूर्ख इंसान इस धरती पर नहीं हो सकता। लेकिन चलो
दे रहा है, दुरुस्त है, गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे लगा लिया, अब बाकी सिफारिश आप लोगों ने करनी है। और इस सत्संग को आप जितना शेयर करोगे, कई अंकल आंटी हैं जो डावाडोल होके बैठे हुए इस वक्त, मैं जानता हूं, तो डावाडोल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप गुरुजी में विश्वास करते हो तो डावाडोल नहीं होना है, अगर आप डावाडोल होते हो, मेरे जैसे मूर्ख बनते हो, तो इसका मतलब कि आप गुरुजी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। गुरुजी वो शक्ति है, वो शक्ति है गुरुजी जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती हैं। और ये मुझे गुरुजी ने मेरी बिटिया की अपनी दोती की शादी करके दिखा दिया। ऐसे माहौल में भी इस तरीके की शादी नहीं हो सकती थी जैसी गुरुजी ने करवाई है। संगत जी, बड़ा मंदिर वो स्वर्ग है धरती का, जहां गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति प्रवाहित की थी और कहा था जो इसके आसपास से भी निकल जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। आप लोग दिल्ली, अगर आप बाहर रहते हो तो दिल्ली आओ, दिल्ली में रहते हो तो बड़े मंदिर जाओ, जो शक्ति बड़े मंदिर में है वो कहीं नहीं है। ठीक है, गुरुजी हर जगह विराजमान है, हमारे घर में भी विराजमान है, आपके घर में भी विराजमान है, हर जगह गुरुजी विराजमान है, लेकिन जो बड़े मंदिर के अंदर शक्ति है वो कहीं नहीं है। तो संगत को जोड़े, बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए भेजें, खुद भी जाएं। जो नहीं गए हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो गए हैं उन्हें तो सब पता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि गुरुजी शायद इतना ही बुलवाना चाहते थे मेरे से, लेकिन गुरुजी चाहते थे कि मैं अपनी गलती रियलाइज करूं और परिवार के आगे करूं। जब कोई गलती करता है घर में, तो परिवार के आगे जब वो गलती रियलाइज कर लेता है ना, तो घर के बड़े जितने होते हैं ना, उसे माफ कर देते हैं। मैंने अपने परिवार में, गुरु परिवार में अपनी गलती इसीलिए मानी है कि मेरे जो घर के बड़े हैं वो मुझे माफ कर दें, बच्चे से गलती हुई है माफ कर दें। ये गलती आप में से, परिवार में से कोई मत करना। इस सत्संग को इतना शेयर करो कि कोई गलती कर ही ना सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अब मेरे जाते ही कुसुम यादव आंटी आएंगी, उनका सत्संग होगा, इसी पेज पे होगा, तो आप लोग जुड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।